Guys, good morning, what's up, नमस्कार, केम छो, आदाब से शेखर, वनकम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। दोपहर को बज रहे हैं 12 और हमारी हो चुकी है सुप्रभात। सुबह उठते उठते हम लोगों ने वैसे तो चावल दाल सब्जी खा लिया था, लेकिन उसके बाद सांभर बनाने का मन था तो मैंने सांभर बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत यम्मी बनाया। थोड़ा बहुत ये हेल्प किए प्याज व्याज काटने में, बाकी आपको दिखाऊंगा ना तो आपको यार क्या मस्त बनाते हो यार सचिन भैया, क्या मस्त बनाते हो। देखो भाई ये सांभर मैंने कितना अच्छा बनाया है, बस कड़ी पत्ता थोड़ा कम था, है ही नहीं, था ही नहीं क्या, है अंदर, अच्छा कम था। और क्या क्या डाला है इसमें? भिंडी, लौकी, भिंडी डाल दिया है, टमाटर। अरे यार भिंडी नहीं डालने का, मैंने गलती से भिंडी डाल दिया है इसको बनाते बनाते, और कुछ नहीं डाला, भिंडी से मजा नहीं आता। आई हेट भिंडी, भिंडी डलता है सांभर, आई हेट भिंडी। हमको नहीं पता था, हर भाई का एक अधिकार होता है, पट पट, बहन का भी होता है, पटक पटक। तो बहन का होता है तो अभी देखो बहन का कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ ना, अब होगा, अब होगा। अरे बाप रे, कई लग रहा है, हमको भी लग रहा है। चलो अभी एक और जन का पिटाई, ये तो फोन पे लगी हुई है। ड्रेस का डिस्कशन चल रहा है, ये इनका भी सुबह हो गया। मैं बोला ना कि आनंदी को गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा इसको मैं ही दिला सकता हूँ। अब इसके साथ जीएसटी भी तो जीत जाएगी हमसे नहीं। चलो यार आजकल ये ना कम से कम लड़ रही है हमसे, नहीं तो पहले बहुत लड़ती थी। पहले इसके बर्थडे के दिन इसको वेज बर्गर खिलाया था मैं, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। वेज बर्गर नहीं था, चिकन बर्गर। मार रही है, हड्डी को लगा, तुम ही को लगा होगा, तुमको लगा, हमको भी लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मोहतरमा कौन बैठी हुई है, तो कह रही है मैं कोई नहीं बैठी हुई हूँ, वो नहीं, कोई नहीं बैठा हुआ है, उनको काट दिया जाएगा। तो मस्त वाला आलू का भुजिया मनीषा बनाई थी, चावल मैं बनाया, सांभर मैं बनाया हूँ, चावल ये बनाई है। इनको चावल बनाने आता है, सांभर बनाने मेरे को आता है। सांभर भी मैंने बनाया, भुजिया भी मैंने बनाया। अरे तुमने काटा है, बस बनाया मैंने, तारीफ नहीं, पहले ही छोड़ो यार। सोच के रखी थी कि रायता बनाना है, रायता कैसे बनाया, इसका मूड था रायता खाने का। क्या नेहा, नेहा जी बोल रहे हैं, आनंद दीदी रायता कैसे बनाया? कुछ नहीं, छाछ का 2 पैकेट लेके आई, बूंदी का पैकेट लाई, मिला दी और उसमें मैगी का पाउडर। बहुत अच्छे से मैं बनाता हूँ ये सब खाना, अब रेसिपी आपको बताऊंगा। ऐसा लग रहा है कटोरी 4 जगह फूट गया है, ऐसा डिजाइन वाला कटोरी मत खरीदो। हम लोग टेस्ट करें ना, तुम पहले ही जुठार के लाइए जाओ। तो गाइस अभी ये पैर छूने का पैसा भी देने वाली है, रखिए रे, अपना लूटने वाला अपना तैयारी है पहले। चलो ठीक है, तो इसके शादी में गाइस धमाल मचा देंगे लोग ना जी, मजा आएगा ना। तीनों लाइन में खड़ी है, चारों लाइन में खड़ी है, एक चौथा का लाइन थोड़ा चेंज हो गया। चलो ठीक है, बाय। सो गाइस फाइनली अपनी निकल रहे हैं यहाँ से, हे गाइस, सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और मैं बताना चाहूँगा कि 1 किलोमीटर मेरे को भारी सा बैग उठा करके पीठ पे चलना पड़ा, टायर पंचर भी है, इसको भी ठीक कराना है। ये भी बैठी हुई है, ये भी जा रही है मेरे साथ, हम जहाँ वहाँ आइए। अभी मैं जा रहा था दिल्ली से रोहतक, रोहतक जा रहा हूँ, तो अभी आपको मिलेंगे कुछ लोग। तो रास्ते में हुआ क्या, पुलिस वालों ने रोक लिया, पुलिस वालों ने रोक लिया चलान के लिए। तो ये भाई साहब थे पास में, मेरे को याद है, मैं बोला कि यार, और इनसे मिलना भी था बहुत दिन से। और साजू की बात यह ना, इसका भी नाम सचिन है, 2 साल पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा इनकी शादी का भी ब्लॉग। तो अभी चलो बाहर निकलते हैं। वैसे इनकी शादी की सीक्रेट्स मेरे को पता है। तो ये इनके हमारे साथ पता है क्या, हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे ना, तो एक पेपर था सास का, वो पेपर मैंने भाई साहब सबको पढ़ाया। इनके आ रहे 70 नंबर, 80 नंबर, मेरे आए 5 नंबर, मेरी सपली आ गई हुई है। और मैं उसका वो लगड़े वाले का पेपर था ना, ये मैप्टी और सास दोनों का। और उसके बाद मेरा तो दिमाग घूम गया, दोनों में मेरी सपली। फिर मैंने पेपर रिवॉल्यूशन में डाला, हालांकि रिवॉल्यूशन में क्लियर हो गई, वो 80 नंबर मेरे भी आए, बट पहली बार बड़ा हंसी आया। मैं बोला यार जिनको बताओ, जिनको पढ़ाया वो उनके 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 70-80 नंबर, और साला मैं मास्टर बन के 5 नंबर, लेकिन गड़बड़ी तो हुई थी।
अरे ये सबसे ज्यादा मजे ले रहे हैं। वो बिहारी के 7 नंबर आए, एक में 5 एक में 7, ऐसा था। लेकिन अच्छा था, कॉलेज लाइफ एक अलग एंजॉयमेंट होता है। बस दोस्तों से मिलना बहुत कम हो जाता है, लेकिन आज फ्रेंडशिप डे। अरे मेरे लिए गिफ्ट लेके आया, मेरे लिए गिफ्ट क्या लाया मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो तो बहुत अच्छा लगा। बाकी फिर अभी आना होगा, फिर कभी घर जाएंगे, भाभी से ही मिलेंगे, और वो भी वैसे ब्लॉग देख रही होंगी। देख रही होंगी, नहीं देख रही होंगी? देख रही होंगी। तो मैं बोला भाभी को, भाभी से ही मिलते हैं लेकिन अगली बार मिलेंगे, तो अगर वो देख रही होंगी तो उनको कुछ बोलना मत। मेरा व्लॉग ना देखे ऐसा कोई दिन करता हमारा। अरे ये भी मेरा व्लॉग देखता है, अब थोड़ा बहुत वायरल हो गया हूँ ना, फेमस हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा है कि नहीं। चलो तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रोहतक वाले आउटर रिंग रोड पे, जो कि पानीपत को कनेक्ट करता है, और यहाँ पर मनीषा बैठी हुई है। मस्त मौसम हो रहा है, और इस रोड के किनारे किनारे ना दोनों तरफ पेड़ है, तो बहुत ही अच्छा यूनिक सा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। बताएं। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिया और ऋतिक के पास, जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि पिछली कई बार हम लोग दिल्ली आए लेकिन उनके पास नहीं जा पाते थे, तो बहुत बार फोन भी आता था, हम बोल देते थे आएंगे इस बार, आएंगे इस बार आएंगे, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना बार बार लारा लगाना। तो हम लोग रोहतक से फिर अम्बाला चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग को वापस अम्बाला अपने घर भी जाना है, तो घर जा ही रहे थे, तो हम लोग चलो रोहतक भी रुक जाएंगे थोड़ी देर, और उसके बाद फिर अम्बाला अपना चलेंगे, और वापस फिर दिल्ली आना है, फिर प्रोग्राम है, फिर मुझे बहुत सारी जगह जाना है, बहुत अभी पैक्ड शेड्यूल है पूरा अगस्त महीने का। जो भी है आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग बने रहना। यहाँ पे मनीषा बैठी हुई है, सितंबर आएगा, मेरा बर्थडे है, और हमारे इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह भी हैं, तो सब होगा एक एक करके धीरे धीरे। आप लोग इसमें कमेंट करना, आप लोग कमेंट करो कि हम लोग इंटरनेशनल में कौन से डेस्टिनेशन जाए, यूरोप छोड़ के, यूरोप नहीं जाएंगे, बस कोई डेस्टिनेशन जाएंगे। हाँ, मतलब ऐसा बताना कि जो मतलब स्टार्टिंग लोगों के लिए, एक ही बार मतलब कोई बड़ा जगह नहीं, इंटरनेशनल में भी स्टार्टिंग से हम लोग जाएंगे, है ना। हाँ, पेड़ वाली सड़क, यही सड़क है जो कि बहुत अच्छी लगती है। उस साइड से भी आने वाला है, इधर से इसको झुमका वाला गाना चाहिए। मिस्टर एंड मिसेस राज पहुंच चुके हैं यहाँ पर सुपरस्टार के घर, हमारे ऋतिक भाई। पहली बार, अरे तुम कुछ लेके तो चलो। लड़की चेंज करने गई थी, इनकी असलियत बता रहा हूँ मैं। So guys, देखिए पूरी मतलब सेवा में लगी हुई है। अरे ये बंद क्यों कर दिया एसी? मैं थोड़ी देर बिल बचा रही है। नहीं, सचिन मनीषा आ गए, हम तो एसी में नहीं थे तो इनको क्यों बिठाएं? अरे फैन तो बंद कर दो, मेरे को बहुत ठंड लगती है। मेरे को भी ठंड लग जाती है। हाँ मैं फैन में रहता ही नहीं हूँ बहुत, ना के बराबर। कैसा लगा मेरा रूम? अच्छा, ये तुम्हारा रूम था? मेरा लगा ये सीमेंट और उसका ईंट वीट का रूम है। ये बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा। मैं इन पे प्रैंक कर दिया, मैं बोला कि मैं अभी निकल रहा हूँ दिल्ली से, और मैं एकदम घर के बाहर ही था। तब पता है कितना दूर था, 7 किलोमीटर या 9, नहीं 19 किलोमीटर था शायद, ये बाहर वाले 4 लेन पे पानीपत वाले रोड। मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत कम पीती हूं। अपना घर घुमा रही है। अच्छा इधर से बाहर बाहर भी निकल जाओ। इन्वर्टर का थोड़ा सा इशू। ये स्कूल है ये? लाल पीला लग भी रहा, लाल पीला लग भी रहा।